हो, कैसे हैं आप? बेटा आज हमारी किसकी क्लास है? आज हमारी हिंदी की क्लास है। किसकी क्लास है? आज हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी क्लास में हमारी क्या चल रही थी? वर्णमाला। क्या चल रही थी? वर्णमाला। स्वर हमारे हो चुके हैं आ से अह तक, व्यंजन हम लोग कर रहे हैं। व्यंजन कहाँ से यहाँ तक हो गए थे हमारे? कहाँ तक हो गए थे? कहाँ से यहाँ तक हो गए थे? आज हम बात कहाँ से करेंगे? टा से लेकर ना तक, टा से लेकर ना तक। हम आज के हमारे व्यंजन क्या है? टा से लेकर ना तक, ठीक है। ये हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे क्या होते हैं? देखिए स्वर हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? स्वर होते हैं। क्या होते हैं हमारे? स्वर होते हैं। क्या होते हैं हमारे? स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब हम लोग व्यंजन कर रहे थे। व्यंजन भी हमारे का से यहाँ तक हो गए थे, आज हम करेंगे टा से लेकर ना तक। ध्यान से देखिएगा बेटा, टा से टमाटर, टा से टमाटर, टा से टमाटर, टा से टमाटर भी बोल सकते हैं आप, टा से टमटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपको ठीक लगे, टा से टमटम भी होता है, टा से टमाटर भी होता है। ठा से ठटेरा, ठा से ठटेरा, ठा से ठटेरा, और ठा से ठग भी होता है, ठा से ठग भी होता है, ठीक है। और डा से डबरू, डा से डबरू, डा से डबरू, डा से डबरू भी होता है, डा से डगर भी होता है, डा से डबरू भी होता है, डा से डगर भी होता है। ढा ढ, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन भी होता है, ढा से ढोलक भी होता है, ढा से ढक्कन, ढा से ढोलक, ढा से ढक्कन, ढा से ढोलक। और अना खाली, अना खाली, ठीक है बेटा। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, टा से टमाटर, टा से टमाटर, ठा से ठग, ठा से ठग, ढा से डमरू, ढा से डमरू, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन, अना खाली, अना खाली। चलिए एक बार फिर से देखें, ये हमारे क्या थे? व्यंजन थे। क्या थे बेटा? ये हमारे व्यंजन थे। टा से टमाटर, ठा से ठग, ढा से डमरू, ढा से ढक्कन, अना खाली, अना खाली, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए पेरेंट्स, जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो मैं इस टाइम बोर्ड पे करा रही हूँ, प्लीज आप भी कॉपी में यही काम बच्चों को कराइएगा। एक बार फिर से पिक्चर देख लीजिए, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए टा से टमटम, टा से टमटम, टा से टमाटर भी है, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, ठा से ठटेरा, और ठा से ठग भी होता है ना बेटा, ठग। डा से डबरू, डा से डबरू, डा से क्या होता है? डबरू, डा से डबरू, और डा से डगर, डा से डगर, डगर भी होता है। ढा से ढक्कन होता है, ढा से ढक्कन भी होता है, और ढा से ढोलक भी होता है, ढा से ढोलक भी होता है, और अना खाली, अना खाली। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाले, हमने स्वर और व्यंजन किए थे ना बेटा, एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कैसे कहते, हमने स्वर किए थे, स्वर हमारे क्या थे? हमारे स्वर क्या होते हैं बेटा? यहाँ देखिए स्वर क्या होते हैं? आ से अह तक होते हैं। देखिए छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली। ध्यान से देखिए बेटा, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। फिर से देखिए एक बार, ये हमारे स्वर थे, किए थे हम लोगों ने क्लास में। ध्यान से देखिए, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। ये हमारे स्वर थे। स्वर के बाद बेटा हमारे क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। व्यंजन अभी हम कर रहे हैं ना, व्यंजन कर रहे। देखिए ये हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ, व्यंजन कासे कबूतर, कासे खरगोश, गासे गमला, घासे घड़ी, अना खाली, चासे चम्मच, चासे छाता, जासे जहाज, झासे झंडा, इया खाली, तासे टमाटर, ठासे ठटेरा, दासे डमरू, दासे ढक्कन, अना खाली। ये क्या थे हमारे? व्यंजन।
सारे व्यंजन है। पेरेंट्स सभी बच्चों को ये सारा काम हिंदी की कॉपी में कराइएगा। बाय बेटा।